हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव। आज आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। होम्योपैथ की सहायता से आप ब्लड प्रेशर को कैसे कम, अगर आपको कम रह रहा है ब्लड प्रेशर तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, या अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, कम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। अगर हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी 140 से ऊपर रह रहा है और नीचे का 90 से ज़्यादा जा रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप कहीं आपके नज़दीकी डॉक्टर से चेक करके ये कंफर्म कर सकते हैं। जब आपका बीपी ज़्यादा रहने लगे तो आप मान के चलिए कि आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी धीरे धीरे होने लगा है या उसका लक्षण आने लगा है। अगर ऐसी परिस्थिति हो आपके साथ तो आप होम्योपैथ मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम रहेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट भी आपके शरीर पे नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो आपके पास दो होम्योपैथ मेडिसिन होती है जो काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। पहली मेडिसिन आती है आपका ब्राइटामयू-3X। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, ऐसे पेशेंट जो काफ़ी बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, तो उनको आप ब्राइटामयू-3X दिन में 3 से 4 बार देंगे, जिससे उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और उसके साथ एक और मेडिसिन आपको देना होगा, वो है राउल्फिया सरपेंटा मदर टिंचर यानी क्यू। राउल्फिया सरपेंटा क्यू लेंगे और ये 20-20 बूंद आधा कप गर्म पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार लेंगे। जब कम होने लगेगा तो धीरे धीरे क्रमशः कम करते जाएंगे। ये दो मेडिसिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। ये वीडियो के साथ अगर आपको किसी बीमारी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू।